अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ ज़ाहरा अरकान ब्लॉग, और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं ये रेसिपी से, क्योंकि मैंने सोचा चलें आज से ही शेयर कर ली जाए कि हमारे घर में भिंडी कैसे बनती है। तो ये आज मैं आपको भिंडी बनाना सिखाऊंगी कि हमारे घर में कैसे भिंडी बनती है और किस तरह की होती है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये है 1 किलो भिंडी, ठीक है, क्योंकि ये हो गया था मुझे लेट, तो इसलिए ये हमारी भिंडी जो अभी गीली है, ये देखें आपको लग रहा है ना, क्योंकि ये मैंने अभी थोड़ी देर तकरीबन 1 घंटा पहले वॉश किया, लेकिन ये अभी भी ना ड्राई नहीं हुई है। तो जब तक मैं मसाला करूँगी जब तक ये ड्राई हो जाएगी जी। ये है 1 गुत्थी तकरीबन जो है ना लहसुन की, जो वो एक पूरी जो होता है वो है, और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज, ये है 2 चमचे कुटी हुई अदरक, क्योंकि लहसुन मैं साबुत ही यूज़ करूँगी, और प्याज को भी मैंने कट कर लिया, और ये हैं स्पाइसी मसाले। तो चलिए अब इन मसालों की तरफ आ जाते हैं। ये है तकरीबन 1 टेबल स्पून गरम मसाला, और ये 1 टेबल स्पून जो है ना ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और ये 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, और 2 ही टेबल स्पून जो है ना ये सॉल्ट है, और तकरीबन 1 चुटकी से जैसे थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो मैंने तकरीबन आप देख लें कितनी ली है मैंने, ये अजवाइन ली है, ठीक है। और ये है 250 ग्राम चिकन, ये मैंने धो के रखा था ना, तो ये फ्रीज हो गया थोड़ा सा, तो जब तक ये भी आराम से उसमें गल जाएगा। मैंने इसे मैं कर रही हूँ तकरीबन, ये मैं 2 चमचे भर के डालूँगी, तकरीबन ये आ जाएगा 150 ग्राम तकरीबन हो जाएगा, 150-200 ग्राम ही है। ये मैं डालने लगी इसमें प्याज, क्योंकि अभी थोड़ा ही ऑयल गर्म हुआ है, तो मैंने तो मैंने साथ साथ ही डाल देती हूँ। और ये लहसुन मैंने इसलिए नहीं कूट के डाला क्योंकि जो इसमें स्मेल आती है ना लहसुन की, वो चीज़ नहीं होगी अगर आप इसे साथ ही गोल्डन कर लेंगे। ये मैंने इसलिए डाली है इसके अंदर क्योंकि ये ना हींक ना आए, इसकी जो स्मेल जो होती है ना इसकी लहसुन की खुशबू, वो चीज़ ना हो इसके अंदर, क्योंकि हमें वो नहीं अच्छी लगती इसकी स्मेल जो होती है ना खुशबू, तो ये चीज़ होगी। और एक चीज़ मैंने और बतानी थी आपको कि मैंने इसमें टमाटर यूज़ नहीं किए हैं, हमारे घर में ज़्यादा कम टमाटर यूज़ करते हैं इसमें, ख़ासतौर पर भिंडी में। अगर आपको खाना अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये मैं इसके अंदर अब डाल लेंगी लहसुन अदरक, प्याज जो है थोड़ी ज़्यादा लाइट गोल्डन होगी, तो आप भी तैयार करिएगा, ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा गोल्डन ना हो आपकी प्याज। बस हम इसे 2 मिनट हल्का सा ऐसे चलाएंगे, और फिर मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। ये मैं भी इसमें चिकन डालने लगी, हम इसे हल्का सा भूनेंगे और इसे हल्का सा पानी डालेंगे। ये देखें ये हो गया है लाइट गोल्डन, हल्का हल्का सा। अब मैं इसके अंदर सारी स्पाइसेस डाल दूँगी और हल्का सा भून के इसको पानी में गला लेंगे हम इसे। ये देखें मैं इसमें 1/2 गिलास पानी डालूँगी। अब हम इसको ढक के जब तक गलाएंगे जब तक ये गल नहीं जाता। मैंने ना इसके अंदर मैं ना भूल गई थी, तो मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ कि मैंने 2 से 3 चमचे जो है इसके अंदर घी डाला है खाने वाले, और थोड़ी सी उसको किया अजवाइन, उसे डाल के हल्का सा गोल्डन किया, और मैंने इसके अंदर ये भिंडियाँ डाल दी। तो मैंने इसलिए क्योंकि मेरी भिंडियाँ थोड़ी सी गीली थी क्योंकि बिल्कुल खुश नहीं थी, तो हल्का सा मैंने कहा पानी है तो ये ना हो कि ये, तो इस वजह से मैंने ये डाल जिससे हल्की सी गोल्डन करूँगी, जिससे उनकी लेयर जो है ना ये चीज़ है ना ये ख़त्म हो गई, जैसे कि ये अभी वैसे है नहीं, तभी मैं इसे लाइट लाइट से ऐसे गोल्डन करूँगी। घी ली थी इस वजह से घी में भी लेस हो रही है बस इस वजह से, वरना आप खुश हो तो आप ऐसे ही उसमें डाल सकते हैं मसाले। ये काफ़ी सही गोल्डन भी कुछ हो गई इसमें, ये चीज़ ये
बिल्कुल थोड़ी सी कभी कम मसाले में बनाया चिकन। ये देखिए मसाला अच्छे से ये गर्म हो गया, भुन गया और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। मिक्स करेंगे फिर मिलते हैं। ये देखिए अभी वैसे तो ये गली हुई है तो हम इसको सिर्फ हल्का हल्का सब सिर्फ भूनते रहेंगे तो जो इसके अंदर कनी है वो भी गल जाएगी। क्योंकि ये देखिए अभी इसके अंदर कनी है, ये देखिए हल्की सी है सिर्फ, बहुत थोड़ी सी। तो इसमें सिर्फ हल्का सा से हम भूनते रहेंगे और इसको गला के तो फिर मैं आपको फाइनल उत्तर मिलती हूँ। ये देखें कि है फाइनल लुक किसका, ये देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये गर्म है और ये बिल्कुल गल चुकी है, नॉर्मल लगाइए। ये देखें ये नहीं कि ये बिल्कुल ज़्यादा गली हुई है, सही है। ये देखिए ये देखिए ठीक हो गया। देखिए आप लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और अब और मैं इसकी भी इंस्टाग्राम पे भी लगा दूँगी तो आप वहाँ से मुझे देख के बताइएगा आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।